गाइस गुड मॉर्निंग, और सुबह के हो रहे हैं 7 बज रहे हैं अभी। और वेलकम टू माय चैनल लीजिए लाइव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं। और आज है जनता कर्फ्यू। शाम को हम लोग थाली और ताली और घंटी से जो है कोरोना वायरस को भगाने की वो करेंगे, रिहर्सल करेंगे। तो इस समय कोरोना का जो डर चल रहा है उस डर को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और दहशत में सारा भारत है, सभी लोग हैं सर दहशत में। सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए हैं और सारा एरिया भी लॉकडाउन हो रहा है। अभी सब लोग घर में ही हैं, थोड़ा ऊब भी रहे हैं घर में रहते रहते। तो चलिए मैं पीने जा रही हूँ अपना चाय, और मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ। मेरी आदत हो चुकी है चाय पीने की गिलास में, क्योंकि मैं फास्ट रहती हूँ सोमवार का। तो चलिए पीते हैं चाय। तो गाइस आप सब पपीता खाते हैं कि नहीं? सुबह में खाली पेट खाना चाहिए, फ़ायदेमंद होता है। और आज शाम को पूरा देश कोरोना को भगाने के लिए और डॉक्टरों को धन्यवाद देने के लिए सभी लोग थाली पीटेंगे। और इसमें आप सब भी शामिल होइए, सभी लोग शामिल होइए देश को जागृत करने के लिए। और जो हमारे डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लोग अस्पताल में एक आर्मी मैन की तरह मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए आप सब थाली बजाइए, घंटी बजाइए, जिससे उनको लगे कि हाँ कोई मेरे बारे में भी सोच रहा है। और हम सभी उनको धन्यवाद दे रहे हैं, अपनी तरफ से दिल से थैंक यू कर रहे हैं। और आप सब इसी तरीके से सेवा करिए मरीजों की। तो यही है संदेश, यही है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि आप सब जनता खिड़की पे आके और अपने बालकनी में आके हमारे डॉक्टरों की, हमारे सफाई कर्मियों की, हमारे डिलीवरी मैन जो की सभी लोग इस संकट की घड़ी में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप सब करिए और हम सब भी करेंगे, आप सब भी करिए। तो गाइज आप सब भी पपाया खाइए और कोरोना को दूर भगाइए। तो गाय जी मेरी सुबह की बनने जा रहा है नाश्ता। और मैं बनाने जा रही हूँ अभी चाउमीन। चाउमीन के लिए मैंने काटा है टमाटर, प्याज, आलू और ये शिमला मिर्च, पत्ता गोभी नहीं है। और ये मिर्ची लिए है मैंने, मिर्चा भी नहीं था, दो ठो था बस, तो यही लिया है मैंने। और अब मैं जा रही हूँ बनाने। और ये चाउमीन उबाल के मैंने रखा हुआ है, तो उबालने के बाद इसे थोड़ा सा पानी में धो लिया था मैंने, तो इससे ये स्टिकी नहीं होते हैं। तो ये मैंने उबाल लिया है और थोड़ा सा तेल डालने से स्टिकी सटता नहीं है, स्टिकी नहीं होता है। और अच्छे से उबल भी गया है, देखिए सब अलग अलग है। तो अब मैं डालूंगी तेल अपनी कढ़ाई में, रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ।
प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने आलू पहले ऐड कर दिया है, क्योंकि आलू गलने में टाइम लगता है, तो ये थोड़ा पक जाएगा। इस पर मैंने नमक भी डाल दिया है। तो फिर मैं शिमला मिर्च डालूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च डालने के बाद ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, तो वो थोड़ा सा कड़ा ही रहेगा तो ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। आजा, वर्क फ्रॉम होम करो तुम्हें। हेलो टॉमी, टॉमी तुम भी वर्क फ्रॉम होम करो। चल, हाँ चलो करो। तो आप सभी घर में रहिए और अपने जो है फैमिली टाइम को एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को अच्छे अच्छे चीज़ें बना के खिलाइए, स्पेंड कीजिए अपना समय, और जो है अपनी फैमिली को जो है कि जो कभी साथ में नहीं मिले थे वो आज हम सभी लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, और बच्चे और सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको एंजॉय कीजिए। हो सकता है भगवान इसी के लिए सब कर रहे हों, कि बहुत आपा धापी की ज़िंदगी हो गई थी और लोग बहुत कम ही लोगों से मिल रहे थे, छुट्टियां नहीं मिल रही थी लोगों को, तो अब मिला है तो उसे एंजॉय कीजिए। और इतना रिक्वेस्ट है कि आप सब बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो, कुछ ज़रूरत की सामान हो उसे लेने के लिए निकलें तो प्रिकॉशन के साथ निकलें, मास्क उस्क लगा कर निकलें, वरना अगर ज़रूरी नहीं है तो ये जोखिम मत उठाएं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और कब तक टलेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए कम से कम घर में रहिए। तो इतना ही है, मेरे तरफ से इतना ही रिक्वेस्ट है। मेरा चैनल बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा चैनल है, जीरो है अभी, बहुत दूर तक मेरी बातें नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी के कानों तक ये बात जाए, पहुँचे, यही मेरे लिए बहुत है। जा दिया दिया, हाँ हो गया था। और गाइस ये हम लोग शाम के वक्त समोसा और सेवड़े बना रहे हैं, खाली टाइम का को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग अब मैं यहीं से अपना ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए।